जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीमेल अकाउंट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है आजकल के टाइम में। जीमेल अकाउंट के बिना पे हम कोई भी एप्लीकेशन जो ऑनलाइन चलती है उसको हम लॉग इन नहीं कर सकते विदाउट जीमेल अकाउंट के बिना, क्योंकि जीमेल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो आपके एंड्रॉयड्स में एप्लीकेशंस होती हैं, जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं, जैसा कि आप प्ले स्टोर जीमेल अकाउंट के बिना पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। जैसा कि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती है जैसे कैनवा है, आप यूट्यूबर्स हैं या आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपके लिए कैनवा एप्लीकेशन इस्तेमाल करना बहुत लाजमी होता है मोबाइल के ऊपर। सो उसके लिए भी क्या होता है, आपको जीमेल अकाउंट लाजमी चाहिए होता है, क्योंकि जीमेल अकाउंट से ही वो लॉगिन होती हैं एप्लीकेशन। सो आज का मेरा टॉपिक है कि हम हाउ टू क्रिएट जीमेल अकाउंट, जीमेल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं अपने मोबाइल के ऊपर, क्योंकि हम मोबाइल में ही जीमेल अकाउंट ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। सो आज मैं आपको मोबाइल के ऊपर जीमेल अकाउंट क्रिएट करना सिखाऊंगा। सो फ्रेंड, मेरा नाम है इरफान अहमद एंड आप देख रहे हैं इरफान अर्निंग टेक्निक्स यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं। मेरे पास गूगल क्रोम की ये एप्लीकेशन ऐप है जिससे आप अपने जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, चलते हैं इसके ऊपर। हम जो आप देख रहे हैं ये मेरा, इसके ऊपर मैं हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये जिसके ऊपर मैंने टिक किया, ये हमारा जीमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए एप्लीकेशन क्रोम इस्तेमाल होता है। सो चलते हैं इसके ऊपर। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा गूगल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं मेरा ये जीमेल गूगल ओपन हो गया। अब इसमें यहाँ पे आके अब क्या करेंगे, यहाँ पे आके लिखेंगे जीमेल अकाउंट या लॉगिन जीमेल अकाउंट, जो भी आप लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने ये पहले लिखा हुआ था, आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे जी लिख, यहाँ पे आ गया खुद ही। यहाँ पे आके आप सर्च करें या गो पे आके क्लिक करें तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आपके सामने एक स्क्रीन खोल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे थोड़ा नीचे ड्रैगिंग डाउन में आएंगे, ड्रैग करेंगे डाउन की तरफ तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इन गूगल अकाउंट। जैसा कि आप साइन इन गूगल अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब इसमें ऊपर क्लिक कर रहा हूँ इस वाले ऑप्शन पे, मैं आपको एक बार सिर्फ क्लिक करके दिखाना चाहूँगा ये वाले, इस पर आके क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको बंद करता हूँ मैं। इस पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर इसका एक पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ी हाँ, यहाँ पर ओपन हो गया, ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप नीचे लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट, अगर आपका पहले से बना हुआ है अकाउंट तो अब इसमें डाल के आप अपनी जो भी एप्लीकेशन होती हैं या कुछ एंड्रॉयड में कुछ ऐसी एप्लीकेशन या ऐप्स होती हैं जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें डायरेक्ट, या आप जीमेल अकाउंट चलाना चाह रहे हैं, जीमेल मोबाइल पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो पहले अगर आपका अकाउंट है तो यहाँ पे उसकी ईमेल जीमेल आईडी लेके ओपन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यू क्रिएट अकाउंट क्रिएट करने जाएंगे हम, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, मैं पेन लेता हूँ एक बार, सॉरी, ये यहाँ पे ये क्रिएट ऑप्शन। अब यहाँ पे आके क्या करेंगे आप, इसको मैं बंद करता हूँ, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे आके तो पूछ रहा है माई सेल्फ फॉर माई चाइल्ड या नीचे बिजनेस के लिए, तो मैं अपने इस्तेमाल के लिए यहाँ पे क्रिएट करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा फॉर माई सेल्फ। ठीक है, तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो थोड़ी देर के बाद इनका पेज ओपन हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। अब ये यहाँ पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको, ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट योर गूगल अकाउंट, तो यहाँ पे आके पहले फर्स्ट नेम देना पड़ेगा, जैसे कि अगर मेरा नाम, जैसे कि मैं अपना नाम दे रहा हूँ IRFAN इरफान, और यहाँ पे दे रहा हूँ मैं YouTube YOUTUBE YouTube। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक तो ऑटो यहाँ पे उठा रहा है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये आप क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखें IRFA एंड इरफान, कुछ भी समथिंग चेंज लिखें यहाँ पे ना थोड़ा सा, तो जैसे कि मैं इरफान लिख रहा हूँ, उसके बाद डॉट YOUTUBE इरफान डॉट यूट्यूब। अब मैं ये लिख कर क्या करूँगा, नीचे आऊँगा। अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे होगा पहले से ऐसा कोई नाम, किसी नाम से बना हुआ होगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा,
तो मैं थोड़ी सी इसमें चेंज कर दिस, कह रहा है यहाँ पे दिस यूज़र नेम इज़ नॉट अलाउड ट्राई अगेन। तो यहाँ पे मैं कुछ और टाइप करूँगा, जैसे कि इरफान earning लिखकर मैं नीचे आ रहा हूँ, इस पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। तो ये भी अब नीचे ही कह रहा है अवेलेबल में आपके पास ये है, अगर ये उठा सकते हैं तो आप ये उठाएं, नहीं तो अदरवाइज आप कुछ और ट्राई करें, ताकि जैसे आपकी जीमेल अच्छे नाम से अच्छे एक टाइटल से आप क्रिएट करें जीमेल की आईडी। मैं सिंपल आपको सिखाना चाह रहा हूँ फिलहाल, तो मैं यहाँ पे नीचे यही उठा रहा हूँ अवेलेबल जो मेरे पास अभी आ रही है, इरफान अर्निंग 967। इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा ऊपर। अब मेरी जीमेल जो आईडी है वो क्या है, इरफान अर्निंग 967@gmail.com। अब यहाँ पे आएंगे, पासवर्ड इंसर्ट करेंगे, पासवर्ड अपनी मर्जी से यहाँ पे डालेंगे। ये जैसे यूट्यूब का ऊपर अपना नाम आईडी क्रिएट करने के लिए वो जैसे कि अपनी मर्ज़ी से आप नहीं दे सकते, या नहीं ये अवेलेबल नहीं थे आपका वो नाम, तो यहाँ पे वो नहीं सिस्टम है। यहाँ पासवर्ड अपनी मर्ज़ी का आप यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ अपनी मर्ज़ी का एक्स वाई जेड फ़िलहाल मैं डाल रहा हूँ, जैसे कि मैं अपना नाम डाल रहा हूँ IRFA इरफान और .YouTube। अब सेम वही नेम आपको कंफर्मेशन के लिए नीचे देना पड़ेगा। याद रहे कि पासवर्ड जो होगा आपका वो तकरीबन, आप अगर आप सिक्योर करना चाह रहे हो अपने पासवर्ड को, तो आप क्या करेंगे, पासवर्ड कोई ऐसा डालेंगे जो यूनिक हो और हार्ड हो, मतलब लॉन्ग हो, उसमें आपकी लेटर भी हो और सिंबल्स भी हो और करेक्टर भी हो, तो नंबर भी हो सॉरी, तो ये तीनों चार मिक्स करके डालेंगे तो आपका जो पासवर्ड होगा बिल्कुल सिक्योर होगा और सेफ रहेगी आपकी जीमेल आईडी। ठीक है, तो जैसे ऊपर मैंने पासवर्ड दे के आया, तो नीचे भी मैंने वही कंफर्मेशन देना है। पासवर्ड क्या दिया था मैंने, IRFA इरफान.YOUTUBE। जैसे ही मैं नीचे कंफर्मेशन पे आके, अब यहाँ पे अगर मैं पासवर्ड शो देखना चाहता हूँ तो शो पे ऊपर क्लिक करें, ताकि मैं देख सकूँ दोनों पासवर्ड सेम है। ओके सेम है, तो अब इसको क्लिक एक बार हटाएं या रहने दें, कोई मसला नहीं है। जैसे मैं आपको दिखा के ये आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आके डायरेक्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पे आके क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको मैं चेकबॉक्स हटा देता हूँ। ठीक, और यहाँ पे आके मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही नेक्स्ट कर लिया आपने, तो यहाँ पे आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा यहाँ, जैसे कि आप फ़ोन नंबर वो देंगे जो आपका अपना हो, ताकि बाद में अगर आपको पासवर्ड मिस हो जाता है, भूल जाते हैं, कोई और मसला हो जाता है, तो वो आप पासवर्ड अपना जीमेल अकाउंट का रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल मेरे पास जो अभी ऑन है फिलहाल, वो नंबर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 03। ठीक है, मैंने ये नंबर दे दिया अपना पासवर्ड। कंट्री आपकी जो भी हो आप यहाँ पे आके सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि मेरा पाकिस्तान, तो मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है। जो भी आपका होगा वो आप यहाँ पे कंट्री देंगे और नंबर देंगे। ठीक है, ये देकर आप क्या आएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका मांगेगा मंथ डेट ईयर, मतलब आप बर्थ, आपकी जो बर्थ डेट है वो आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि मैं सिंपल अपनी फ़िलहाल एग्जांपल ऐसे ही दे रहा हूँ, January 1, 1990। ठीक है, टेम्परेरी में ये दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैं आपको जस्ट सिखाने के लिए वीडियो बनाई है मैंने। और यहाँ पे जेंडर आपका जो भी है, मेल है फीमेल है, जो भी यहाँ पे देंगे, जैसे कि मैंने मेल दे दिया। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूँ, जस्ट आप यहाँ पे आके नेक्स्ट करें, नेक्स्ट या नीचे बटन आपको पास नज़र आ रहा है, इसके ऊपर नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर लिया। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, प्राइवेसी एंड टर्म्स एंड की जीमेल वालों के, तो ये आप पूरा रीड आउट करें, टाइम है तो आपके पास ये रीड आउट करने के बाद उनके, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे नीचे आपको दिखाई देगा आई एग्री। अब आई एग्री पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, पूछ रहा है जो आपने पढ़ा ऊपर लिखा हो इसके ऊपर राज़ी हो, तो आप नीचे आप लिखेंगे आई एग्री। अब आई एग्री पे क्लिक करें, जैसे आप आई एग्री पे क्लिक करें तो ये आपका जीमेल अकाउंट क्रिएट हो गया। लो जी, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिख रहा है वेलकम इरफान यूट्यूब। ये मेरा यूट्यूब का चैनल नहीं है, बल्कि ये मेरा जीमेल आईडी का टाइटल था, मैंने आपको दिखाया था जब मैं क्रिएट करा तो इरफान यूट्यूब लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आए, अब प्राइवेसी पर्सनलाइजेशन कुछ यहाँ पे सेटिंग है वो आप कर सकते हैं,
बहुत सारी इसमें सेटिंग होती हैं, जैसा कि आप ऑथेंटिक टू फैक्टर में आप पासवर्ड लगाना चाह रहे हैं ताकि आप जब पासवर्ड भूल जाएं तो बाद में लगाएं तो आपके मोबाइल पे पहले आए और बाद में आपको वो यहाँ पे लिख के आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे आई पे जैसे आई पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जीमेल आईडी का नाम है, देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको सर्किल करके आपको दिखा रहा हूँ। ये जो नीचे लिखा हुआ है ये आपकी जीमेल आईडी है, ऊपर जो जीमेल आईडी का नाम है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे irfanearning967@gmail.com। ठीक हो गया, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। ये आपकी पूरी जीमेल आईडी बन गई। ठीक है, ये होम है, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें जाकर पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, डेट प्राइवेसी है तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी प्राइवेसी अकाउंट जो भी पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से और इसमें से भी आप कुछ पर्सनल सेटिंग होती है वो कर सकते हैं। बहरहाल ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया जीमेल का, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी आप बना सकते हैं। ये आपको हर वक्त काम आएगा, हर कोई आजकल के एंड्रॉयड में जो एप्लीकेशन एप्स आ रहे हैं ऑनलाइन यूज़ करने के लिए, उसके लिए आपके लिए बहुत मतलब रिक्वायरमेंट है इसकी ना, तो ये आप पहले ही बना के रखें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जीमेल आईडी। तो दोस्तों, मैंने ये जीमेल आईडी आपको लिए बनाई है और आपको सिखाई कि कैसे हम क्रिएट करते हैं मोबाइल पे, और थोड़ा कंप्यूटर पे थोड़ा सा डिफरेंस है। मोबाइल के ऊपर जैसे कि मैंने देखी आपने बनाई, जैसे मैंने बनाई आपने देखी, तो ऐसे ही मैं इंशाल्लाह आगे जाके कंप्यूटर पे भी आपको सिखाऊंगा कि कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे कैसे हम क्रिएट करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और ये आई होप कि आइंदा मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो मेरी आने वाली आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। सो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।